चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इसमें एक लाइनिंग होती है गाइड में, वो हमेशा रहना चाहिए, वरना टाइमिंग चेन बहुत प्रॉब्लम होती है, ढीली हो जाती है, फिर खनखनाने लगती है। अब हम चेन बाहर निकालेंगे, देखते हैं ये चेन श्राट भी रबड़ जो होती है देख सकते हैं इस तरीके से कट चुकी है। कभी भी खोलें इसको ज़रूर पेट्रोल से साफ़ कर लें, ताकि ये सफाई होने से अच्छे से अपनी कटिंग हो जाती है और इससे कचरा निकल जाता है। और इसके बाद अपनी आयल सील जो ओरिंग होती है वो फटती नहीं है। डालने हैं गाइड, आप देख सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, इसमें कैसी लाइनिंग बनी हुई है और ये गाइड में देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन हो गई है और ये ऐसी लाइनिंग होती है, ताकि टाइमिंग चेन को टाइट रख सकते हैं और एक सी जगह पे चल सकते हैं। जैसे कि ऐसी होती है पुशराट रबर, अब हम इसमें नई रबड़ बैठाने जा रहे हैं। ये बैठ गई है रबड़, इसमें हम गाइड लगाएंगे छोटी। जी इसकी गाइड, ये हम गाइड लगाने जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये पुश राड भी लग चुकी है, स्प्रिंग भी लग चुका है, अब इसको हम बोल्ड कसने जा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये पुश राड है, ये काम कर रही है। ये हमेशा लाइनिंग सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल एक सी, ये लाइन हमेशा आगे एरो में, एरो देख सकते हैं अभी एरो बना हुआ है, तो एरो में हमेशा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एरो एकदम सीधा आ गया, अब हम मैग्नेट लगाएंगे, उसका टी देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये टी बिल्कुल एक सा आया आएगा जहाँ पे पोजीशन रहना चाहिए, और मैग्नेट भी बिल्कुल क्लियर आ गया, टाइमिंग चेन भी सेट बिल्कुल एक नंबर हुई है, ये टाइट है, ये देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, टाइमिंग चेन पूरी कंप्लीट हो गई है, अब आयल सील फिट करने जा रहे हैं ताकि आयल ना बहे गाड़ी में। हमने ओरिंग बैठा ली है, अब हम ओरिंग बैठा लेंगे प्लेट। तो जैसे कि देख सकते हैं ये गैर है, अब हम लगान जा रहे हैं, पहले उससे पहले इसमें आयल सील लगी थी, तो उसके बाद का ये है इसकी आयल सील लाइन। देख सकते हैं जैसे कि लॉक फिट हो चुका है, चैन फिट हो चुकी है, ये गैर फिट हो चुका है, अब हम मैग्नेट फिट करेंगे, मैग्नेट फिट करके फिर इसकी पाइप प्लेट लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे।
अकाउंट सही वाला है।